नमस्कार दोस्तों, मैकेनिकल एक्सप्लोरर चैनल में आपका स्वागत है। हमारी जो लेक्चर सीरीज चल रही है वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की चल रही है और उसमें भी हम कास्टिंग के ऊपर अपना डिस्कशन कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ कास्टिंग वगैरह तो मैं आपको क्या पहले ही लेक्चर्स में बता चुका हूँ। आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, क्या क्या स्टेप्स जो हैं वो हमें फॉलो करने होते हैं सैंड कास्टिंग कराने के लिए। ठीक है, कई जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, पर आज की वीडियो से आपको उन टर्मिनोलॉजीज का मतलब और ज़्यादा क्लियर होगा और साथ ही साथ आपको स्टेप्स पता चलेंगे जो कि हमें कास्टिंग के दौरान फॉलो करने पड़ते हैं। उसमें आपका मोल्ड बनाना भी रहेगा, मोल्ड कैविटी कैसे बनाते हैं, सैंड की रैमिंग कैसे करते हैं, उसके बाद कैसे मेटल पोर करते हैं, कैसे उसको सॉलिडिफाई होने देते, सारा कुछ सीक्वेंशियल स्टेप्स में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो एक बार थ्योरेटिकली बताने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगा जो कि मेरे को कुछ सोर्सेस से मिली है, जो कि आपका एकदम क्लियर कंसेप्ट कर देगी कि आप जो स्टेप्स हैं वो खुद दिमाग में अच्छे से इमेजिन कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वो वीडियो। देखिए, ये वो वीडियो है, यहाँ पे फ्लास्क दिखाए हुए हैं, नीचे वाला ड्रैग है, ऊपर वाला कोप है। अब ड्रैग को हमने पलट के रखा है यहाँ पे, इसका रीजन अभी आपको समझ में आएगा। ये जो है हमने अभी पार्टिंग सैंड डाला है, बेसिकली यहाँ पे तो पाउडर यूज किया है पर एक्चुअल इंडस्ट्रीज में पार्टिंग सैंड यूज करते हैं ताकि सैंड जो है वो पैटर्न या फिर टेबल पे ना चिपके। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, फेसिंग सैंड यहाँ पे डाला है जो कि पैटर्न के बिल्कुल आसपास रहेगा, वो बहुत ही फाइन क्वालिटी का सैंड हमें चाहिए। ठीक है, जिससे कि कास्टिंग की सरफेस फिनिश अच्छी हो सके। और पीछे जो है हमने बैकिंग सैंड डाला है क्योंकि ये मेटल के कांटेक्ट में नहीं आएगा, ये सिर्फ फेसिंग सैंड को सपोर्ट करने के काम है, तो इतना फाइन नहीं भी होगा तब भी चलेगा। ये अभी हम ड्रैग का पोर्शन बना रहे हैं, इसकी सैंड की रैमिंग करी है हमने, उसको फ्लैट कर रहे हैं ताकि अच्छे से पूरा का पूरा जो फ्लास्क है वो ड्रैग जो है वो भर सके। ठीक है, इसको प्रॉपर हम फ्लैट करेंगे। अब ये देखिए इसको क्या कर रहे हैं, हम प्रॉपर फ्लैट कर रहे हैं। उसके बाद इसको टर्न करते हैं ताकि जो आपका पैटर्न था वो ऊपर की तरफ दिख सके। ठीक है, अब इसके ऊपर हमने कोप रखा, थोड़ा सा पार्टिंग सैंड और डाला है हमने ताकि अब जो ऊपर जो चीजें हैं, ऊपर जो सैंड डाला है वो उससे ना चिपके, इसलिए डाला था। ये जो दो पिंस लगाए हैं यहाँ पे, पॉज करूंगा मैं थोड़ी सी वीडियो, ये जो दो हमने यहाँ पे रॉड्स लगाई हैं, बेसिकली एक जो बड़ी वाली रॉड यहाँ पे दिख रही है आपको वो स्प्रू के लिए लगाई है। ठीक है, मेटल पोर करेंगे तो हमें जगह चाहिए मेटल जो है वो नीचे जा सके। स्प्रू मैंने आपको बताया था एक वर्टिकल पैसेज होता है। ठीक है, और दूसरे वाले जो हमने पतली वाली रॉड लगाई है वो बेसिकली किसके लिए है हमारी, वो है राइजर के लिए। ठीक है, अभी आपको आगे इसका रोल और ज्यादा क्लियर होंगे। चलिए, अब जो कोप पार्ट है हम उसको तैयार कर रहे हैं, वो ही है सैंड की रैमिंग कर रहे हैं और साथ ही साथ उसको फिर फ्लैट करेंगे ताकि अच्छे से जो कोप है, ड्रैग है, दोनों ही फिल हो सके। अब ये क्या करेंगे, हम पिंस जो रॉड्स हैं वो निकाल लेंगे ताकि हमें होल्स जो हैं वो मिल चुके हैं, इनमें हम मेटल पोर करेंगे बड़े वाले होल में जो कि स्प्रू है। ये देखिए, फिर हम क्या करते हैं, इनको सेपरेट करते हैं इस तरीके से। अब हम पैटर्न को ड्रॉ करेंगे जिससे कि हमारी मोल्ड कैविटी क्लियर होगी। अभी ये हमने क्या किया है, स्प्रू के नीचे एक स्प्रू वेल होता है वो बनाया है और अब एक रनर बना रहे हैं हम, जिससे कि मेटल जो है बहुत ही स्मूथली क्या कर सके, हमारा मोल्ड कैविटी तक पहुंच सके। ठीक है, बहुत ही स्मूथ पैसेज हमने बनाया है, ये इसको रनर बोलते हैं, ये हॉरिजॉन्टल पैसेज है, ये बता भी चुका हूं मैं पहले। अब हमने क्या किया, टैप किया, शेक किया है पैटर्न को ताकि सैंड लूज हो सके और बहुत ही ध्यान से हम पैटर्न को निकाल लेंगे जिससे कि क्या होगा, हमारी मोल्ड कैविटी क्रिएट हो जाएगी। बहुत ही ध्यान से करना है ये देखिए, ये जो कैविटी क्रिएट हुई है इसी को मोल्ड कैविटी बोलते हैं।
इसी में मेटल पोर करेंगे। अब दोबारा असेंबल कर दिया है हमने पूरा का पूरा फ्लास्क अपना, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पोरिंग बेसिन बना रहे हैं। पोरिंग बेसिन भी मैंने आपको बताया था, कई जो लोग होते हैं वो कोप के अंदर ही पोरिंग बेसिन कट कर देते हैं, कई जो है अलग से बना देते हैं। अब यहाँ पे मेटल को हमने क्या कराया है, मेल्ट कराया है, जिसकी भी कास्टिंग करनी है। थोड़ा जो आपकी स्लैग वगैरह रह जाती है वो हटा दी हमने, क्योंकि वो ऊपर डिपॉजिट हो जाती है। अब हम क्या करेंगे, इस मेटल को हमारे मोल्ड के अंदर जो है वो पोर कराएंगे। ये देखिए किस तरीके से, और अभी एक मिनट के लिए मैं पॉज करूंगा और कुछ कंसेप्ट समझाऊंगा आपको, बहुत ध्यान से देखना। एक तरफ से हम मेटल पोर कर रहे हैं जो कि स्प्रू है, और जब मोल्ड कैविटी भर जाएगी दूसरी तरफ से मेटल बाहर आ जाएगा। ये देखिए दूसरी तरफ से क्या हो गया, मेटल बाहर आ गया। तो वो जो दूसरा होल हमने क्रिएट किया था उसको बोलते हैं राइजर। जब मोल्ड कैविटी पूरी तरह भर जाती है तो उसके बाद क्या होता है, जो एक्स्ट्रा मेटल है वो राइजर के थ्रू क्या हो जाता है, बाहर ओवरफ्लो कर जाता है। राइजर में जाता है वो मेटल, और फिर वो क्या कर जाता है, और एक्स्ट्रा डालोगे तो ओवरफ्लो कर जाएगा। तो यहां पे आपको पता चल गया कि मोल्ड कैविटी पूरा भर चुकी है, अब आपको क्या है, और मेटल पोर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक काम राइजर का ये भी होता है, बाकी और काम भी मैंने ऑलरेडी बता रखे हैं और आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसको सॉलिडिफाई होने दिया है हमने अपने जो मेटल पोर किया था, और अब इसको क्या करेंगे हम यहां से इस मोल्ड को ब्रेक करके मैं अपना जो कास्टिंग है उसको बाहर निकालेंगे। ऐसे मोल्ड जिनको हम ब्रेक करके प्रोडक्ट निकालते हैं उनको एक्सपेंडेबल मोल्ड्स भी कहा जाता है। ठीक है, ये देखिए यहां पे हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक किया हमने मोल्ड को जो बनाया था, और हमें हमारा जो कास्टेड प्रोडक्ट है वो मिल चुका है। पर यहाँ पे राइजर के जो हम था और जो वेल वगैरह बनाया था, रनर बनाया था, वो भी हमें एक्स्ट्रा यहाँ पे देख सकते हो मेटल जो है वो मिला है, वो हमारे प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा मेटल हमें मिला है उसको हटाने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फेटलिंग प्रोसेस कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये राइजर वाला एक्स्ट्रा पोर्शन हटा दिया हमने, और ये रनर वाला जो एक्स्ट्रा पोर्शन मिला है जो कि हमारे प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं है, वो हमें यहाँ से रिमूव करना पड़ता है। इसी को क्या बोलते हैं, फेटलिंग प्रोसेस बोलते हैं। अब जो है हम फर्दर इस पे थोड़ी बहुत प्रोसेसिंग करेंगे और अपना प्रोडक्ट ले लेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो के माध्यम से पता चला होगा क्या क्या स्टेप्स हमने फॉलो किए हैं। यही स्टेप्स जो हैं मैंने यहाँ पे आपको क्या कर रखा है, समझा रखे हैं सीक्वेंस वाइज। एक बार जल्दी से बस रीडिंग मार लेते हैं और आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पहले तो आपको क्या करना पड़ता है, बॉटम बोर्ड प्लेस करना पड़ता है। भाई नीचे या तो कोई टेबल होगा या फ्लोर होगा, या अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो बॉटम बोर्ड रख लेते हैं हम, उसके ऊपर अपना क्या करते हैं फ्लास्क रखते हैं। ठीक है, फिर उसमें क्या किया था हमने, पैटर्न प्लेस किया था, मतलब ड्रैग को हमने क्या किया था, उल्टा रख लिया था, याद होगा आपको, ताकि वापस उसको जब घुमाए तो पैटर्न ऊपर आ जाए, और उसमें फिर हमने क्या किया था, अपना पैटर्न प्लेस किया था। ठीक है, ये हो गया आपका ड्रैग मान लो, और उसके ऊपर हमने अपना पैटर्न प्लेस किया था। ठीक, और पैटर्न और जो ड्रैग है उनके, मतलब ये जो वॉल्स हैं फ्लास्क की उसके बीच में गैप भी होना चाहिए सफिशियंट। ठीक, उसके बाद हमने क्या किया था, ड्राई फेसिंग सैंड जो है, या कई केस में पार्टिंग सैंड भी बोलते हैं हम, वो स्प्रिंकल करते हैं ताकि जो सैंड है वो इससे ना चिपके, पैटर्न से ना चिपके, क्योंकि बाद में उसको फिर निकालना मुश्किल हो जाएगा, और ना ही जो ये बोर्ड है नीचे वाला जो बोर्ड है उससे सैंड चिपके, क्योंकि वो भी हमारे मोल्ड को डैमेज कर सकता है बाद में। उसके बाद हमने क्या किया था, मोल्डिंग सैंड उसमें प्लेस किया था, जो कि पैटर्न के आसपास हमने अभी प्लेस किया था पहले मोल्डिंग सैंड, और उसको फिर अच्छे से फर्म करके पैटर्न के आसपास बढ़िया से उसको जमा दिया था। फिर बाद में बैकअप सैंड डाल के हमने पूरा का पूरा जो ड्रैग का पोर्शन था वो कंप्लीट किया था। ठीक है, रैमिंग जो है हमें बहुत ध्यान से करनी है, बहुत ज्यादा हार्ड रैमिंग भी नहीं करनी, लूज रैमिंग भी नहीं करनी, उससे क्या हो जाते हैं, डिफेक्ट्स हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, हमने
होल्स बनाए थे, वेंट वायर का इस्तेमाल करके होल्स बनाते हैं छोटे छोटे, क्योंकि क्या होता है आपको पैसेज प्रोवाइड करवाने पड़ते हैं जो वेपर्स या गैसेस वहां पे प्रोड्यूस हुई हैं उनके एस्केप करने के लिए होल्स बनाने पड़ते हैं, उनको वेंट बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या किया हमने, उसको सीधा कर लिया ड्रैग को हमने, ठीक। और उसके बाद हमने क्या किया था, कुछ भी अगर रिपेयरिंग वगैरह करनी है उसमें तो वो किया था। फिर उसके ऊपर कोप का जो पोर्शन था, फ्लास्क था, वो रखा, थोड़ा पार्टिंग सैंड जो है वो और डाला हमने, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने कोप बनाना जो है वो शुरू किया था। उसके लिए स्प्रू पिन जो है और राइजर पिन जो है वो हमने प्लेस किया था, और उसके बाद हमने सैंड डाला था, ठीक है। उसके बाद सैंड डाला था ताकि ये जो राइजर का होल है और जो स्प्रू का होल है वो हमें मिल सके, ठीक। फिर अच्छे से उसकी रैमिंग कराई और फ्लैट किया उसे, और फिर वेंट वायर से उसमें क्या करने हैं, होल करने हैं, ठीक है। स्प्रू पिन और राइजर पिन जो है वो अच्छे से हम निकाल लेते हैं, ठीक, और बाद में पोरिंग बेसिन जो है वो अलग से बना देते हैं उसमें, ठीक। अब जो कोप और पोर्शन है, ड्रैग पोर्शन है, उनको क्या किया, सेपरेट किया हमने, ठीक है। और उसके बाद हमने पैटर्न को क्या किया, थोड़ा सा टैप किया, शेक किया, ताकि जो सैंड था वो थोड़ा लूज हो सके, और फिर हमने पैटर्न को क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया, ठीक है। विड्रॉ करने के बाद हमने उसमें फिर रनर्स बनाया, गेट बनाया, ये सारी चीजें बनाई थी। और फिर हमने क्या किया था, उसमें कोर अगर बनानी है आपको, ठीक है, कोर अगर आपको बनानी है या उसमें कोई होलो कास्टिंग बनानी है तो कोर रखनी पड़ेगी, तो कोर बना के उसको प्लेस करा देना, ठीक, समझ में आ गया। अब आपका क्या है, फिर दोबारा से कोप और ड्रैप को असेंबल कर दिया आपने और मोल्ड जो है आपका पूरी तरह तैयार हो गया। उसके बाद आप क्या करते हो, मेटल को फर्नेस में जो है मेल्ट किया जाता है, और उसको जो है वो मोल्ड के पास लाया जाता है, वो लैडल का इस्तेमाल करके, ठीक है, वो जो कप सा था जिससे मेटल पोर किया था हमने, वो उसको क्या बोलते हैं, लैडल बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, मेटल को जो है केयरफुली हमें पोर करना है, और आपको ये पता चल जाएगा राइजर के थ्रू कि आपका जो मोल्डिंग जो कैविटी है, मोल्ड कैविटी, वो कम्प्लीटली फिल हो चुकी है अगर राइजर से ओवरफ्लो कर जाता है मेटल, ठीक। उसके बाद उसको सॉलिडिफाई होने दिया जाता है, और सॉलिडिफाई होने के बाद आप मोल्ड को ब्रेक करके क्या करते हो, अपना प्रोडक्ट जो है वो निकालते हो। उसमें फिर आपको जो रनर बनाया था आपने, जो स्प्रू बनाया था, राइजर बनाया था, तो वो एक्स्ट्रा मटेरियल मिल जाता है जो कि प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं होता, उसको रिमूव करना ही फेटलिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। और फिर अगर आपको कोई मशीनिंग वगैरह या फर्दर कोई प्रोसेस करना है तो वो कर सकते हो। तो आई होप आपको जो स्टेप्स थे सैंड कास्टिंग के लिए वो क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, या ये मेरा ईमेल एड्रेस है, उससे आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं कई चीज़ें मेंशन कर दूंगा। एक तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की पूरी जो प्लेलिस्ट है वो प्रोवाइड करा दूंगा, कास्टिंग की जो अलग से प्लेलिस्ट बना रहा हूं मैं वो भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। और एक जो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।